है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। प्रश्न अथवा जिज्ञासा के साथ सब लोगों का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो, एकमात्र उद्देश्य। आंखें लाल हैं, कैसे हैं? आंखें लाल हैं, मन भीतर, दोषी दोनों में कौन? ये पूछा गया है हम लोगों से। अब आप लोगों को इन दो में से चयनित करना है, इन दोनों में दोषी कौन, आप ही बताएं। आंखें तो लाल दिख ही रही है, जो लाल हो जाती है, जो नीली थी और वो लाल हो गए, कहीं न कहीं लाल होने में कोई कारण तो होगा। सामने वाला व्यक्ति है, उसको देखने से लाल हुई। आंखों का क्या काम है ये पहले अध्ययन कर लेना चाहिए। ये ललामी आंखों में आती है, पुनः चली क्यों जाती, इसके बारे में भी मनन अध्ययन कर लेना चाहिए। मति ही स्मृति ही संज्ञा आदि आदि जो मत ज्ञान के भेदों भेद में आए हैं, उनमें आप पूछिए कि किसका दोषी कौन। हम प्राय करके इन सभी जिज्ञासुओं को शांत नहीं कर पाते। मोक्ष मार्ग पर कदम रखने वाला व्यक्ति इनमें यदि जिज्ञासा इनसे वो शांत नहीं करते, उनका इसमें कोई भी अधिकार नहीं है कि वो मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सके। हर बात में चूंकि हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम सूंघ रहे हैं, हम छू रहे हैं और कभी कभी हम चख रहे हैं, इन सब में निर्णय हम लोगों का सही कब होता है, और जब सही यदि होगा तो हम आग बबूले नहीं होंगे। यहाँ पर भी बाद में जिज्ञासा रखी गई, पहले पहले के उत्तर अथवा जिज्ञासा के शांति के लिए खोज करें। एक आध व्यक्ति को हम यही सुनते हैं, पर आज हमने अपने विषय में कुछ सुना, जब से सुना है क्या बताएं, भीतर से आग चल रही है। अच्छा, भीतर से आग चल रही है, ईंधन किसने पटका? ईंधन भी तो चाहिए, किसने पटका? वर्षा वैसे हो रही है, नहीं समझे? बाहर की गीलापन उसके लिए कभी आग बबूल कर सकता है? नहीं। तो ये आग बबूला क्यों होता? आंखें लाल हैं,
तो ये ललाई क्यों, और नीली थी वो नीली माँ कहाँ चली गई? कभी पूछा आप लोगों ने? कभी उत्तर मिला आप लोगों को? दूसरे से आप उत्तर न मांगिए, ज्यादा डायरी भरने की कोई आवश्यकता नहीं। डायरी शब्द ऐसा कह रहा है कि डायरिया होने वाली। उससे कभी भी वह शांति मिलने वाली नहीं है। वह अशांति क्यों फैली इसके बारे में आपको सोचना है। इसलिए 10 दिनों में से एक दिन इसी परीक्षा अनुसंधान के लिए दिया। कई व्यक्ति विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के बारे में सोचते रहते, किंतु अपनी ही विद्या के बारे में और अविद्या के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं। खोलना चाहते हैं आंखें, किंतु आंखें कहाँ तक खुल जाती है यह हम नहीं समझते। आंखों की शल्य चिकित्सा भी हो जाती, फिर भी उस नजर में कभी सही सही कुछ आता ही नहीं। आता तो सही है, लेकिन परिणाम गलत क्यों निकलता? आंखें तो केवल देखती है तो रूप को देखती है। अब वह रूप कितने प्रकार का होता? 4-5 प्रकार का होगा। इसके अलावा दूसरा कोई नहीं था। जिस वस्तु को आपने देखा वह सफेद है, किंतु आपके ये सफेद देखने से नीलेपन को छोड़ करके लाल ये आंखें हुई क्यों? यदि यह निर्णय सही नहीं होता, हम कभी भी सही निर्णय के अभाव में अवश्य ही उस सिद्धांत से विमुख होते जा रहे। मनुष्य जीवन के बाद भी यदि यह उत्तर अनुत्तरित रहते, यह समस्या दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती ही जाती है, तो ये शल्य चिकित्सा भी और निश्चल्योवृत्ति ये सूत्र का पाठ भी पाठ ही कहलाएगा, किंतु इसमें से कोई तथ्य नहीं निकलने वाला। अब 5 मिनट तो हो गए आप लोगों को, ये 2-3 पंक्ति आपके सामने रखी थी, एक आध व्यक्ति बता दे इसमें दोषी इन दोनों में कौन? मैं बता दूं? जो अनेक उपाधियों से विभूषित मनस्वी बन करके बैठे हैं, वो अपने आप को क्या कुछ भी समझ ले, किंतु दोषी तो सब लोग, आंखें लाल है तो वही दोषी की होंगी, क्योंकि देखने का काम उसी से हुआ। देखने का काम उसी से हुआ इसलिए वह दोषी है, ये निर्णय तो विश्व स्तरीय न्यायालय में भी गलत ही निकलेगा, किंतु यही उत्तर दिया जा रहा। इस ओर आप कभी भी नहीं देख पा रहे हैं। हमारा
अभिप्राय गलत है या आंखें गलत है? अभिप्राय यदि गलत है तो आंखों ने देखा, अभिप्राय बनाने वाले तो आप हैं, गलत कैसे आप अभिप्राय निकाल रहे हो? या तो मन आपका पागल है, या उस पागल के सोबत रहने से आप पागल बन गए हैं। ये सिद्ध कर रहे हैं केवल दुनिया के सामने मैं मनस्वी हूँ, यशस्वी हूँ, और क्या क्या हूँ, ओजस्वी हूँ, मैं बहुत सारे हूँ। लेकिन इस प्रकार के गलत निर्णय लेने से आप असत्य को सत्य और सत्य को असत्य सिद्ध करते जा रहे हो। इसलिए इन दोनों में दोषी कौन, जो भीतर बैठा बैठा निर्णय लेता है और बाहर आने को तैयार नहीं होता? कहीं अपनी पूल पट्टी खुल न जाए, कहीं मैं दोषी शुद्ध न हूं, निर्दोष को दोषी और दोषी को निर्दोष यदि हमारा निर्णय कर लेता है, हमारा अभिप्राय दूषित। इसके लिए कभी भी मतदान नहीं करना चाहिए। दुनिया तो करते हैं, तो दुनिया में आप हो क्या नहीं हो? दुनिया में हो करके भी आप अपने आप को व्यवस्थित करना चाह रहे हो, तो उसमें तो आपको ये स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें मत की मात्रा कितनी है ये भी आप देख सकते हैं। आपने किसको मतदान दे दिया? आपने किसको दे दिया? तो भैया हम आपको पूछ रहे हैं, तो कोई भी तो बात हम ही पूछ रहे हैं आपसे। जैसे आप कहेंगे उसी के अनुसार हम भी करेंगे। मतलब यह अभिप्राय हमारा बनता है देखा देखी अथवा गलत निर्णय के साथ अथवा सोबत जिसमें रहते हैं उनके साथ हो जाते हैं हम, और बिना चाहे भी हो जाते हैं। फिर इसके उपरांत फिर भी हम तो जो जीत करके आए उन्हीं को दिए थे। हमने तो पहले निर्णय ले लिया था। आप बताओ, असंगी पंचेंद्रिय तक चुनाव नहीं होता किसी अन्य पदार्थ के, किंतु संगी बनने के उपरांत वह चालू हो जाता है। और संगिन समनस्का ऐसा का जो संगी होता है वह मन वाला होता है, वह मन से रहित नहीं होता, मन भीतर। दोषी दोनों में कौन? आंखें लाल, क्रोध के आवेश में आए बिना आंखें कभी भी नीली आभा को छोड़ करके दलाल के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकते। हमारे भगवान हमेशा हमेशा अताम्र नयनोत्पदा। हम भगवान के दर्शन करते हैं, आप क्या करते हो? भगवान की कभी आंखें लाल हुई क्या? उनके
नाखून देखो और नेल पॉलिश लगाना छोड़ दो। कभी भी उनके हमेशा हमेशा लाल सुर्ख, किंतु होंठ भी नाखून भी सारे के सारे, किंतु उनकी आंखों में करुणा तो भरी हुई है किंतु अरुणाई नहीं है, तरुणाई तो रग रग में टपक रही। वो लाल क्यों नहीं दिखते? इतना खून उनके भीतर यदि है तो। आचार्य कहते हैं यह परिवर्तन केवल शरीरगत नहीं है, मनगत है, और उनके पास संजीवपन भी नहीं है। उनके पास संजीवपन नहीं है और फिर भी वे मन वाले हैं, यही कमी हमारे बीच और उनके बीच में है। हम अपने आप को सुधारना चाहते हैं, दूसरे के सुधार को गौण कर दो, अथवा जिसकी आंखें कभी भी लाल नहीं होते हैं उसकी गुणगान करना प्रारंभ कर दो। पढ़ने की अपेक्षा से भगवान के बिंब को आप पढ़ने का अभ्यास करो, इसमें सबसे जल्दी आपको निर्णय लेने में सुविधा होगी। जो इस प्रकार समझता है कि स्वाध्याय उसी को होती है जो सरस्वती के साथ हमेशा हमेशा अपना तालमेल बनाए रखता, जिसकी वाणी है उसको देखने में आनंद नहीं आ रहा, और जिसकी वाणी में आनंद आ रहा है तो कहीं ना कहीं और गलतियां हैं। यह मनगढ़ंत उसका चयन है, अपने अभिप्राय के अनुसार वह सोच रहा है। तेजंत भी जिसके देखने से लाल आंखों को छोड़ करके, कैसे छोड़ेगा? शल्य चिकित्सा हो गई? नहीं, उसके शांति को देख करके वो सोचता है संसार में यही एकमात्र तत्व है। समर्थ भद्र महाराज ने इसी को तत्व घोषित किया। ये भ्रांति है आप लोगों की, मन विक्षिप्त हुआ, आपका तत्व कहीं न कहीं प्रक्षिप्त हुआ है अन्यत्र, जिसको मिथ्यात्व बोलते हैं, जिसको दोष बोलते हैं, जिसको छूना नहीं चाहिए ऐसा घोषित किया गया है, फिर आप उसी को स्वीकार करते हो। इसलिए भगवान को देख करके अध्ययन करो, अटाम नहीं नोत्पलम, और हम अपने हृदय को साफ करने का प्रयास करें। वो तरंग उठती क्यों? हृदय में आना हमारे वश की बात नहीं, आएगी, वो बंधा हुआ है तो आएगी। अब ऋण अपनी तरफ से ऋण लिया है तो देने वाला आपको आपके पीछे पड़ेगा। यदि आप नहीं लेते ऋण तो बैंक आपको नहीं कहेगा कि ऋण ले लो ले लो, हाँ इतना दो तो दे सकता है,
तो आपके पास लोभ है इसलिए वह कह रहा, हमारे पास आकर के नहीं कहता वो। सुन रहे हो आप लोग, बैंक वाले आपके पास जाकर के क्यों कहते हैं, अब लोन ले लो लोन ले लो लोन ले लो। महाराज आप अपने शिष्यों को या और जो श्रावक आते हैं उनको कह दो, प्रेरित करो उस बैंक में जाओ उस बैंक में जाओ उस बैंक में जाओ, लोन ले लो लोन ले लो। आलू ना क्यों खाते हो, सलोना खाओ ना। समझ में आ रहा है? अच्छा, वो समझ में आने वाला भी बहुत समझदार लगता है। अच्छा अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा। ये मन में संकल्प आया क्यों, इसका नाम फितूरी है। फितूरी दुनिया को धोखा देने की बात, जो धोखे में आते हैं वो कर्म के उदय में आते हैं, ये तो सिद्धांत कभी भी भूलो नहीं। है तो ऐसा ही, फिर तो क्यों लगाते हो, ऐसा ही है कहो ना। स्वामी समुद्र पर कहते हैं जो ही के स्थान पर तो लगाता है वह गड़बड़ कर रहा है, वह अपने श्लोक को नहीं समझ रहा है, उसका गला घोट रहा है। इदम एव ईदृशम एव, ये क्यों कहा गया, ये ऐसा ही है। है तो पुनः लगाता ये, लेकिन परंतु नहीं समझे तो ये सारे सारे जो है ना ये अर्थ नहीं देते, ये नकारते, फिर बाद में जो है सो है। यह दुनिया की रीत है। तो आप लोगों ने तो निर्णय लिया ही होगा, मन को दोषी माना, इंद्रियां दोषवान नहीं होती, उनका नियम है नियत विषयानि इंद्रियान, और नियत विषयानी मन, अनियत जो होता है वह मन होता है, और नियत विषय वाले और नियत प्रदेश वाले वह नीति से वो हटते नहीं कभी, इसलिए उनको नियत कहा। मन को नियत नहीं कहा, उसको हम पकड़ ही नहीं सकते, दूसरे को पकड़वा करके वह हम तो बिल्कुल, हाँ तुम आप तो साबुत हो, साबुत भी निकलते हो ये बात अलग है, जल्दी कर। ये कहना चाहता हूं इंद्रियां कभी भी रूप को रूप ही देखते हैं, आंख रस को रस ही के रूप में चखते हैं, चटक मटक जो हुआ यह आंख का काम नहीं और जुब्बा का काम नहीं, यह मन लहर में है और वह भीतर बैठे बैठे जहर घोल रहा है, और आप उसको अच्छे ढंग से खा रहे। जिस समय वह उदय में आएगा तो मालूम पड़ेगा कि क्या हो गया है। हाँ कर्म जनित है, लेकिन कर्म तो सबके पास है ना, कर्म तो सबके पास है, संयम के माध्यम से उसको नियंत्रण में रखना यही मुख्य मार्ग होता है। बाकी कर्मों को साफ करने की कोई आवश्यकता नहीं, साबुन सोडा लगा करके कर लो। हाँ। साफ होते ही नहीं वो कभी, और यदि यह अभिप्राय हुआ
और साफ अपने आप ही होने लग जाता है। इसलिए न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है, न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है, बुरी तो वह है जिसकी नीयत बुरी है। उसको करवट ले जाओ, करवट एक बार ले लेगा, दुनिया कितनी भी कहे हम अब परिवर्तित नहीं करेंगे। इसलिए आचार्य कहते हैं भगवान के दरबार में देर हो सकता है। हाँ बस कितने अच्छे जल्दी जवाब दीजिए आप, इतना आसान है ये। आसमान को छूना आसान हो सकता है लेकिन इसने करवट देना आसान नहीं है। बिरले ही इसको स्वीकार करते हैं, दूसरे के लिए संकल्पित करने का उनका काम है। भगवान ने आज तक रिकॉर्ड बनाया, तीर्थंकरों ने आज तक किसी ने किसी को संकल्पित नहीं कराया, स्वयं संकल्प लेते हैं, उसको अडिग होकर के पालते हैं, उसमें एक बाल मात्र का भी अंतर लाते नहीं, क्योंकि वर्धमान संयम है उनका। वो बिल्कुल आंखें देख करके वह काम कर रहा है, केवल बाहर ये चार हाथ नहीं देखते, किंतु भविष्य में जो होने वाला चार हाथ उसको भी देखते, और जो अतीत में हो चुका है उसको भी देखते, और उसमें ये करते हैं कि पैर कहाँ कहाँ पर पड़ा, यदि गलत पड़ा है सुधारने का प्रयास पुरुषार्थ। इसलिए मूल गुणों में उनका दोष कभी भी नहीं लगता, उत्तर गुणों में भी कभी दोष नहीं लगता, किंतु अंतर्मुहूर्त के उपरांत मन अधीरा होकर के बाहर आ ही जाता है, और इसकी कान पकड़ करके पुनः भीतर खींच करके ले जाते हैं। ये खेल उनका बरसों तक चलता है। महावीर भगवान को तो कितना 12 साल, हाँ 12 साल लग गए महावीर भगवान को 72 में, और आप 12 घंटे भी नहीं होते, कई बार करवट ले लेते। यह मन क्या है? हमारा गलत निर्णय का नाम मन है। हम बार बार गलत लेते हैं, उससे उसकी पुष्टि हो रही है। एक बार भी गलत निर्णय को हम ठीक कर देते हैं, दोबारा उसमें अनुपात अवश्य कम होगा, तीसरे बार में और अनुपात कम होगा, क्योंकि प्रत्याख्यान के साथ हमने इरादा लिया। इसलिए कभी भी किसी से वो दीक्षित नहीं होते, कभी भी उन्होंने अपने वचन नहीं दिए किसी के, किंतु एक को ही देते हैं जिसको हम एक प्रकार से जिनवानी बोलते हैं, माँ के समान समझ करके वो जो लिखा है या वो जो बताते उसी के अनुसार उनकी चर्या बनती है, इसलिए दूसरे के लिए अपनी चर्या वो बताते भी नहीं और दिखाते भी नहीं, और उनका वह चलता रहता है। क्या अद्भुत साधना है।
और आपको संतुष्टि मिल कैसे सकती है इन दोषों के भंडार के साथ? यही संकल्प है इसका कि मैं कम करूं, यह भी कम बात नहीं है। पूरा दूर करूं फिर कहना ही क्या है। भूल का होना, मनुष्य भूल का पुतला है। हाँ, इन पुतलियों में ही भूल है, वहीं से तो झांक रहा है वो अभिप्राय वाला आशय, अभिप्राय, अंतरंग, अनंग, क्या क्या इसके नाम हैं और इसकी क्या क्या करतूती है। तरह तरह की भांति भांति के भ्रांतियां, तरह तरह के चाल, नाना नारद नीतियां ले जावे पाता। ये है इसके क्या तरह तरह के चाल है, बदलता रहता है। ऐसे क्यों? स्वभावत्वात्। वह भी मन वाले हैं लेकिन उन्होंने अपने ऊपर नियंत्रण किया, इसीलिए उनके मूल और उत्तर गुण में कभी भी दोष नहीं लगते। और प्रमाद होना ये स्वभाव है, ये पुतला है, मनुष्य भूल का पुतला है, ये नियंत्रण नहीं हो सकता। हाँ, अंतर अंतर मुहूर्त में जो होता है उनके द्वारा दोष यदि लगते हैं तो इतना ही लगते हैं, जम्भाई आ जाए पानी पीते समय, अथवा श्वास लेना पड़े तब मुंह में घूंट नहीं ली जाए, घूंट ले ले और उसी समय श्वास भी ले ले, थसका अवश्य लगेगा। एक काम एक समय में होता है, ये पक्का है। इसलिए सावधानी से जो पानी पीता है, खान पान करता है, वो ठीक ठाक रहता है। और जल्दी जल्दी खाता है उसमें ठीक ठाक क्या करना, ठों उठा करके भी ठीक नहीं कर सकते। फिर इसके लिए विश्वविद्यालय हैं और महाविद्यालय है, महावेद्य को ढूंढा जाता है, ये सब टाइटल उपाधियां लग जाती। तो अब अंतर अंतर मुहूर्त परिवर्तन्याः, ये आर्ष सूत्र है। अंतर अंतर मुहूर्त में लेशाओं को परिवर्तित करते हुए उपयोग उसी के अनुसार ही चलता है। यह मन के साथ भी यही घटित होता है, लेकिन आंखें कभी परिवर्तन नहीं है, नाक कभी परिवर्तनी नहीं है। अरे, एक सेकंड के लिए भी नाक के लिए परिवर्तित हो जाए, नाक कट जाए। हाँ, यदि किसी की कट भी जाए तो भी वह नाक के एक नकल कटता रहता है, मेरे पास है नाक। हो, इस नियम मरण के बाद बड़ी नाक मिलेगी आपको, सूंड की, हाथी के पास जो सूंड है, जिसने अभिमान किया उसको अब नाक रगड़ते हुए जाओ। कहाँ कहाँ पर जाओ? दूसरों की देहरी तक जाओ, बोले स्वामी के लिए नमोस्तु कर रहे हो, उठा दिया। पहले नाक को उठाता है, उस नाक के माध्यम से वह दर्शन करता। आप सोचिएगा अपने भीतरी तरह तरह की
चाल है, भांति भांति की आप भ्रांतियां हैं, भ्रांतियों के ढेर रहे हैं हम लोग। एक बार तो सही सही निर्णय पर आ जाओ तो आंखें लाल है, मन भीतर दोषी दोनों में कौन, यह हाइको 17 अक्षरों वाला आपको पूछ रहा है, वो आपको ही पूछ नहीं रहा है, सबको पूछ रहा है। आपको यदि पसंद आए हैं तो सर्वाधिकार हमारा कोई सुरक्षित नहीं, आप ले जा सकते हो। और ये ध्यान रखना, आपने आधा घंटे से भी ज़्यादा इसको दे दिया, हमने उदारता के साथ आपके लिए इतना समय दे दिया ताकि हम अपनी भूल को समझ सके। क्रोध आ जाता झट से, प्राय करके क्रोध कहाँ पर दिखता है तो सर्वप्रथम आपको ये महसूस होगी, नाक एक प्रकार से मरोड़ते हैं फूल जाता है, इसमें नाक में वो गुस्सा आ जाता है। कवियों ने इसको नाक की अनी पर क्रोध एकदम झट से आता है। अब ये भी ध्यान रखना, थोड़ा से भी तापमान बढ़ जाता है, नहीं समझे, पसीना आता है तो नाक के अने के ऊपर ही प्राय करके आता है। आपने कभी देखा, महसूस किया? हाँ, वहीं पर आता है, वहां पर तपाने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने आप ही गर्म होता है, गुस्सा वहीं पर रहता है, उसका विश्राम स्थान वही है। उस नाक को देखते ही फिर क्या, गोद में बैठ करके दूध पीने वाला भी लड़का निर्णय ले लेता है कुछ होना है। अब नहीं समझे, जब दूध पिलाते पिलाते वह कुछ गंभीर हो जाती है, आप सुन रहे हो, हाँ, गंभीरता से सुन दो, यदि गंभीर हो जाती है दूध पीना वो बंद करता है। ये गंभीरता क्यों आ गई, और वह देखने को मिला, धीरे से वह लड़का गोद से खिसक जाता है। कहीं ऐसा ना हो दूसरा प्रबंध कर ले, चौपट वो बुलाने के बाद में नहीं आता, प्यास भूख लगने के बाद में नहीं आता। सुन रहे हो गोद वाले, हो छोटा लड़का भी होता, आपकी परीक्षा आपका निर्णय अपने आप ही समझ लेता है, क्योंकि आपका शरीर और मुख गंभीरता से गिर गया, कुछ न कुछ इसमें हुआ, उधर गया है, दूर से देखा, अरे पिताजी भी आप पे में नहीं, आप अपने में आप में है, देख तो दो, आपके लड़का ने सोच लिया, लड़के ने, पिताजी आप पे में नहीं है। अब जो आप पे में नहीं रहता, हमारा ये निर्णय है, उसके पास न माँ न पिता न भाई न बहन कोई भी जाना नहीं चाहता, चाहे जिंदगी भर उसके लिए कुछ भी दे दे, लोभ नहीं चाहिए। आप कितने लोभ करते जाते हो, ये कहाँ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, सोच तो। तापमान
क्या है? ध्यान रखो, शरीर का तापमान कुछ बढ़ सकता घट सकता है, लेकिन भीतरी जो अनुपात है शरीर में वह 98 अवश्य बना रहता। 50 को भी तापमान छू रहा हो तो भी भीतर 98 पाएगा, और टाइगर हिल पर भी जाकर के देखोगे जहां पर -40 रहता है शीत, वहां पर भी देखो शरीर का वह तापमान कितना रहता है, तो वो भी 98 रहता है। ये स्वस्थ व्यक्ति का एक लक्षण है। आपको भी कहीं भी जाए पहले इसको टटोलना, यदि इसमें अंतर आ गया समझ लेना, ये फालतू एक घंटे के लिए ये उस समय देना हो गया, अन्य कुछ काम करते संभवतः कुछ लाभ होता, किंतु यहाँ पर उसका कोई निर्णय नहीं हुआ तो ऐसा ही जिंदगी भर बिना निर्णय के ही एक क्षण निकलते चले जाते, होता नहीं। चाहे स्वर्ग मिले चाहे मनुष्य अवस्था मिले, कोई मिले समूह शरण भी मिले, तो भी वहां पर कुछ होना जाना नहीं। भगवान भी आप में किसी भी प्रकार से कुछ भरते नहीं, और जो दोष है उसको निकाल करके बाहर फेंकते नहीं, ये काम उनका है ही नहीं। जो स्वयं के बारे में वो इस प्रकार नहीं कर सकते, भावों को तो संयम के साथ ही जीना पड़ेगा, और निकालना है तो संयम के द्वारा ही निकालना है, बदलना है तो संयम के द्वारा ही बदलना, केवल क्रोध करने मात्र से वो बदलता नहीं है। तो फिर क्या, अरे उनको तो हम हमेशा देखते हैं पारा गर्म ही मिलता है, क्या करता पारा गर्म मिलता, पारा क्या ठंडा भी रहता है क्या? सबसे ज्यादा भारमय पदार्थ सुनते सोने से भी भार वाला पारा होता, लेकिन ये ध्यान रखना दूसरे के पदार्थ उठाने में आप माहिर हो सकते हैं, लेकिन हमें दिखा दो अपने अंगुष्ठ और चुटकी बजाने वाले कोई उंगली, उसके माध्यम से चिमटी से ले लो, बता दो पारा यदि आपके पास एक बूंद भी आ जाए, बिखरने के लिए तो तैयार है किंतु आपके हाथ में नहीं आएगा, पक्का है। लेकिन उसके माध्यम से आपके क्या मनोदशा है नापी जाती है, और वह बिल्कुल नियंत्रण में था, और फिर इसके उपरांत आपके पास कितना पारा है ये देखा जाता है। एक मिनट दो मिनट के भीतर आपका पारा चढ़ जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ज्यादा ज्यादा 107 तक जाएगा, फिर इसके उपरांत आज तो श्रेणी तो मनती नहीं। कोई नहीं रुक सकता, 7 के बाद अप्रमत्त अवस्था हो गए,
फिर पैरों से चलना नहीं होता, जो कुछ भी चढ़ना और उतरना है कहाँ तक है, छठे सातवें गुणस्थान तक जब श्रेणी बढ़ जाएगी तो वह ऊपर ऊपर चढ़ता है अंतर्मुख के लिए। रेडी ऊपर और चढ़ा नहीं, नीचे आएगा बिल्कुल। हाँ ये क्या है, अपने आप चढ़ा है क्या बताओ? थर्मामीटर गर्म हुआ क्या, दूसरा और कोई गर्म हुआ? यह जो संतुलन इसमें बता रहा है वो किसका है? तो बताते हैं, यह कभी भी झूठ नहीं बोलता, ये कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। यदि वह झूठ बोलने लग जाए तो दवाई सारे सारे फेल हो जाए। इतना भारी भी आपके थोड़े से तापमान कह रहे हो आप, ये थोड़ा तापमान है क्या, जो अपनी उंगलियों की पकड़ में नहीं आता था और वह आज आपके बुखार की पकड़ में आ गया, ये सही निदान कहलाता। और इस सही निदान को जो स्वीकार कर लेता पक्का है वो निरोग बनने में देर नहीं लगाता। इतना पर्याप्त है मैं समझता हूं, आपका पूर्ण समय हो गया है क्योंकि आप लोगों ने बहुत बड़ा पुरुषार्थ करके एक दिन के लिए उत्तम क्षमा के स्वरूप को सुन रहे हैं, पर आज सुन ही नहीं रहे हैं किंतु भीतर से भी हमारा कुछ हो रहा है। इसलिए तो हमने कहा है कितने अनुपात से है आप ही निर्णय ले लो, क्योंकि आपके भीतर आने का हमारी अधिकार भी नहीं है और हमारे सीमा के भीतर मत जाओ ऐसे आगम की आज्ञा है। आपके आंगन तक तो हम आ सकते हैं लेकिन भीतरी आंगन तक नहीं जा सकते हैं, परमिशन वहां पर नहीं दी गई है। कभी कभार थोड़ा सा झांक ले खिड़कियों से दरवाजे से उसको भी दोष माना, फिर भी मैं यहाँ पर आपके आंगन तक आया हूँ इसके लिए थोड़ा वह एक दो बार इस प्रकार कह करके अपनी परछाया दिखा सकता है ताकि वह बाद में पश्चाताप न कर ले। इसके आगे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, फिर इसके बाद तो उनका भाग उनके पास है, हमारे लिए उनका दाना पानी, क्या उसका निर्णय ले सकते हो? दाना पानी इतना इतना ही है, न दाना है न पानी है, इतना है। इतना सिद्धांत क्लियर है, इसको जब हम सोचते हैं तो यह प्रश्न पत्रिका आई है आपको पाठ्यक्रम से जो पढ़ाई हुई है एक वर्ष तक, एक वर्ष तक तो इस किताब को नीचे नहीं रखो, लेकिन अब उस किताब को परीक्षा के समय पर नीचे रख भी नहीं सकते, पास रख नहीं सकते और उसकी नकल कर नहीं सकते, और आपको सब कुछ ठीक है, परमिशन है, अनुमति है, किंतु ये नहीं कर सकते। आपके दिमाग में यदि वह बात आई है हाँ या ना में उत्तर दीजिए। आप स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, हमारा उस दगाबाज मन को आज से कम
आप अपने वश में रखने का प्रयास पुरुषार्थ करिए, और आप सही भी हैं तो भी सही मैं हूं ऐसे इस दुनिया के सामने मत कहिए। असतर्क हो रहा है, नहीं समझे? सतर्क का अर्थ तर्क करना सीख लिया उसने। हाँ, सतर्क का अर्थ जागृत होना चाहिए, सावधान होना चाहिए, और वह सावधान उसी को बोलते हैं पर की ओर ना देखो। यदि पर की ओर देख करके अपने आप को सुधारना चाहते हो तो गुणों को ढूंढो। यदि पर के गुण यदि दोष में नहीं आ रहे हैं तो दोष तो बहुत जल्दी आएंगे, इसलिए आप दोषों की ओर मत जाओ, क्योंकि दोषों के भंडार स्वयं भी है। ऐसी स्थिति में उन दोषों के भंडार में से कुछ तो कम करें, और अवश्य ही एक बार कम करना प्रारंभ कर देंगे, आपको लगेगा हाँ इसमें जो संतुष्टि मिलती है संयम से वो अन्यत्र किसी भी प्रकार से नहीं मिलती है। यह कठिन साधना तीर्थंकरों ने भी की है, और ये महाव्रत उनके हैं, लेकिन महाव्रत का पालन करने से ही संसार को मालूम पड़ा कि ये महाव्रत होते हैं, इसलिए उनको महान पावन पवित्र माना है, क्योंकि गुणों की उपासना करने से ही पवित्रता आती है, दोषों का निष्कासन होता है। मोह और दोषावरण योर हानि, दोष और आवरणों का नाश होने के उपरांत ही भगवान आप तो बने हैं, निर्दोष बने हैं, 18 दोषों से रहित बने हैं। आपकी आंखें लाल हुई हैं तो यह भीतरी मन का परिणाम है, और आंखों को मलो नहीं, अपनी आप ही वह पुनः पूर्व स्थिति पर जाएगी, और आप अपने मन को मलो, मर्दन करो, और खबरदार कहो तुम्हें अब किसी भी प्रकार से तुम्हारे लिए समर्थन नहीं दिया जाएगा, बहुत हो गया, अब हम तुम्हारी चाल को समझ चुके हैं, अब तुम्हारी चाल को हम समझ चुके हैं, तुम्हारी चाल में हम नहीं आने वाले हैं, हम भी कुछ शतरंज खेलते हैं। अहिंसा परमो धर्म की बोल।